अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार्ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। अगले महीने फरवरी में इंडिया के अंदर ऑटो एक्सपो है जिसमें कई सारी नई गाड़ियों का डेब्यू किया जाएगा तो कई सारी गाड़ियों को लॉन्च भी किया जाएगा। सिर्फ ऑटो एक्सपो में ही नहीं, एक्सपो के बाद फरवरी में या फिर ऑटो एक्सपो के पहले जनवरी में भी कई सारी नई गाड़ियां इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फरवरी के पहले पहले 14 नई गाड़ियां 14 न्यू कार्स लॉन्च होने वाली हैं इंडियन मार्केट में। इसलिए अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो फरवरी तक वेट करना शायद आपके लिए एक बेहतर सौदा साबित हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी नई गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 15 जनवरी को लॉन्च होने वाली है ऑडी की Q8 SUV। इस गाड़ी को इंडिया में इम्पोर्ट किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ रिलीफ दिया है, हर साल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्स वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कई सारी कंपनीज अपनी कई सारी गाड़ियों को इंडिया में लाने वाली हैं। इस गाड़ी को इंडिया में सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। 3 लीटर 6 वाल्व पेट्रोल इंजन जो 340 BHP की पावर जनरेट करता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी में डीजल इंजन भी दिया हुआ है। लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी कंपटीशन देगी रेंज रोवर स्पोर्ट और BMW X6 जैसी गाड़ियों को जो अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्स शोरूम ने दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी करीब 1 करोड़ रुपीज में लॉन्च की जाएगी। इसके बाद 17 जनवरी को 17th of Jan को मॉल गैराजेस अपनी इलेक्ट्रिक कार GS को लॉन्च करने वाला है। यह गाड़ी इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक इंटरनेट SUV होगी। इसमें 44.5 किलोवाट आवर की बैटरी दी हुई है जो 142.7 PS की पावर जनरेट करती है और 353 Nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला करेगा। एक बार फुल चार्ज करने पर यह गाड़ी 340 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। फास्ट चार्जर के साथ 0 to 80% इसकी बैटरी सिर्फ 50 मिनट में चार्ज हो जाती है। स्टैंडर्ड चार्जर के साथ 6 से 8 घंटे में और पोर्टेबल चार्जर के साथ 16 से 18 घंटे में। इस गाड़ी की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ₹50,000 के टोकन अमाउंट से बुक करा सकते हैं। शुरू के 1,000 कस्टमर्स को स्पेशल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। लॉन्च डेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं 17 जनवरी। और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 20 to 25 lakh rupees की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। इसके बाद 21st of January 21 जनवरी को हुंडई अपनी सेडान ऑरा को लॉन्च करने वाला है। असल में ये गाड़ी एक्सेंट की नेक्स्ट जनरेशन है लेकिन इसको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिला करेंगे, 2 पेट्रोल के और 1 डीजल का। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिला करेंगे। दूसरा है 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिला करेगा। और तीसरा है 1.2 लीटर डीजल इंजन जिसमें भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिला करेगा और ये तीनों ही इंजन BS6 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल किया करेंगे। सेडान है तो बूट स्पेस के बारे में आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी में आपको 402 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है। इसके अलावा ग्रैंड आई10 नियोस की तरह ही इस गाड़ी में भी आपको फुली लोडेड फीचर्स दिए जाएंगे। इस गाड़ी की भी बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन हो चुकी हैं। अगर आप इसको बुक कराना चाहते हैं तो ₹10,000 के टोकन अमाउंट से करा सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं मारुति डिजायर के साथ तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लॉन्च डेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं जो कि है 21 जनवरी। और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 6 to 9 lakh rupees की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगी। इसके बाद अगले ही दिन 22 जनवरी को टाटा अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस को लॉन्च करने वाला है। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है टियागो वाला और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलने वाला है नेक्सॉन वाला। हालांकि इस डीजल इंजन को डीट्यून किया गया है, ये उतनी पावर जनरेट नहीं करता जितना कि नेक्सॉन में करता है। इसमें 345 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी की भी बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन हो चुकी हैं। अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो ₹21,000 के टोकन अमाउंट से कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं मारुति स्विफ्ट से तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लॉन्च डेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 22 जनवरी। और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की तो एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से 5.5 लाख रुपीज से शुरू होकर
8.5 लाख रुपीज की प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद जनवरी के महीने में ही मर्सिडीज अपनी GLE SUV को लॉन्च करने वाला है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, बस इतना ही पता है कि जनवरी में ये गाड़ी लॉन्च होगी। इस गाड़ी में 2 डीजल और 1 पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। हालांकि लॉन्च के टाइम आपको 1 डीजल और 1 पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, दूसरा डीजल इंजन अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। 2 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा जो 245 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 500 nm का टॉर्क। इसके अलावा 3 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो 367 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 500 nm का टॉर्क। इस गाड़ी की बुकिंग्स भी ऑफिशियली काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसको बुक करा सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी करीब 70 लाख रुपीज़ से शुरू होगी। 6वीं गाड़ी है किया मोटर्स की MPV कार्निवाल, जिसे 5 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। ये गाड़ी किया मोटर्स की इंडियन मार्केट में दूसरी गाड़ी होगी जो कि डायरेक्ट कंपटीशन देगी इनोवा क्रिस्टा को। ये इनोवा क्रिस्टा से बड़ी भी होगी और ज़्यादा प्रीमियम भी होगी और ज़्यादा महंगी भी होगी। इसमें आपको 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलने वाला है जो करीब 200 bhp की पावर जनरेट करता है और 440 nm का टॉर्क। इसमें आपको 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा, मैनुअल नहीं मिलेगा। इसमें आपको 540 लीटर की बूट स्पेस भी मिलती है तीनों रोज के अलावा। इस गाड़ी की बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन अनऑफिशियली डीलर्स अपने लेवल पर इसको बुक कर रहे हैं, इसलिए अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं। लॉन्च डेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं 5 फरवरी, और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की तो ये करीब एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 25 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 30 लाख रुपीज़ तक की मिला करेगी। 7वीं गाड़ी है जिसका इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वो है मारुति की SUV विटारा ब्रीजा का फेसलिफ्ट 2020। लेकिन ये फेसलिफ्ट डीजल इंजन में नहीं, सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च किया जाएगा। करंट में जो डीजल इंजन है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। हालांकि मारुति ने अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जहां तक है इस गाड़ी को 5 फरवरी को ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें आपको अर्टेगा और सियाज वाला ही 1.5 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो करीब 105 bhp की पावर जनरेट करता है और 138 nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इस गाड़ी के डिजाइन में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा चेंज तो सिर्फ यही होगा कि ये अब पेट्रोल इंजन में मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो ये पेट्रोल इंजन की वजह से उतनी सस्ती नहीं होगी जितनी की हो सकती थी। ये आपको एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से करीब 7 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 10 लाख रुपीज़ तक की मिल जाया करेगी। और अब बात कर लेते हैं उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहली गाड़ी है स्कोडा ऑक्टेविया RS। ये ऑक्टेविया सेडान का स्पोर्टी वर्जन है। इस गाड़ी को पहले भी इंडिया में 2017 में लॉन्च किया जा चुका है, तब सिर्फ 500 यूनिट्स को ही लॉन्च किया गया था, जो हाथों हाथ उम्मीद से जल्दी बिक गई थी। और अब वापस से इंडिया में ऑक्टेविया RS को इंपोर्ट करके लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो पुरानी ऑक्टेविया RS से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टॉर्की होगा। इस बार ये 245 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 370 nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो ये गाड़ी पहले से ज़्यादा महंगी भी होगी। एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से करीब 35 लाख रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। इसके बाद 9th कार है टाटा की 7-सीटर SUV ग्रेविटास। ये हैरियर का ही 7-सीटर वर्जन है जिसके बारे में पहले भी आप कई बार सुन चुके होंगे। इसमें आपको हैरियर वाला ही 2 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा, लेकिन उसे रीट्यून किया गया है। वो अब ज़्यादा पावर जनरेट किया करेगा, 170 PS की और 350 nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा। इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा हुंडई सोर्स्ड 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा। ये गाड़ी फ्रंट से तो लगभग बिल्कुल हैरियर जैसी ही दिखती है, लेकिन साइड और रियर इसका डिफरेंट है हैरियर से, क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशंस हैरियर से ज़्यादा हैं थर्ड रो को एडजस्ट करने के लिए। इसमें आपको 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल अभी लॉन्च के टाइम तो नहीं, कुछ समय बाद डिमांड के हिसाब से, समय के हिसाब से वो पेट्रोल इंजन लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 14 लाख टू 17 लाख रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जा सकती है। 10th कार है हुंडई टूसॉन का फेसलिफ्ट। इसका फेसलिफ्ट पिछले साल के मिडिल से लॉन्च हो रहा है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया।
लेकिन अब फाइनली हुंडई ने कंफर्म किया है कि फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स में टूसॉन का नाम पिछले करीब 7-8 महीनों से बना हुआ है। इस गाड़ी को कोई खरीदना ही नहीं चाहता, लेकिन इस फेसलिफ्ट में इस गाड़ी में आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं डिज़ाइन से संबंधित, इसलिए हो सकता है ये चेंजेस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और इसका सेल्स फिगर थोड़ा इम्प्रूव हो। इसमें आपको पहले वाले ही 2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने वाले हैं, लेकिन वो इस बार BS6 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल किया करेंगे। पहले की तरह ही इसमें आपको 2-व्हील ड्राइव के साथ साथ 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिला करेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिला करेगा। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्स शोरूम ने दिल्ली के हिसाब से 19 लाख रुपीज से शुरू होकर 28 लाख रुपीज की प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च होगी। 11th कार है टोयोटा की प्रीमियम MUV वेलफायर। असल में ये टोयोटा अल्फर्ड है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। जिनको याद नहीं उनको मैं बता दूं कि पिछले ऑटो एक्सपो में टोयोटा ने अपनी अल्फर्ड को इंडिया में शो भी किया था। इस गाड़ी में आपको 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में, जो मिलकर 197 BHP की पावर जनरेट करते हैं। इसमें आपको CVT ट्रांसमिशन दिया जाएगा, मैनुअल नहीं मिलेगा। इस गाड़ी को भी बाकी गाड़ियों की तरह इंपोर्ट किया जाएगा, ना कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी कॉम्पिटिशन देगी मर्सिडीज की वी क्लास एलीट को। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक शोरूम ने दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी करीब 85-90 लाख रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जा सकती है। 12th कार है टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक। इस गाड़ी की कोई भी ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक है फरवरी में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो ऑटो एक्सपो हो या उसके बाद। टाटा ने इस गाड़ी में अपनी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी यूज़ की है। 28.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 127 BHP की पावर जनरेट करती है और 254 Nm का टॉर्क। एक बार फुल चार्ज करने पर यह गाड़ी 300 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। फास्ट चार्जर के साथ इसकी बैटरी 0-80% 1 घंटे में चार्ज हो जाती है, जबकि स्टैंडर्ड चार्जर के साथ 8-9 घंटे लग जाते हैं। इस गाड़ी की बुकिंग्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं, तो 21,000 रुपीज के टोकन अमाउंट से बुक करा सकते हैं। लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो ये करीब 13-16 लाख रुपीज की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं 13th कार के बारे में, तो वो है फॉक्स वैगन की SUV T-Roc। ऑफिशियल लॉन्च डेट तो अभी तक इस गाड़ी की भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पूरे पूरे चांसेस हैं कि ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस गाड़ी को भी बाकियों की तरह इंपोर्ट ही किया जाने वाला है। इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो करीब 150 BHP की पावर जनरेट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन शायद इस गाड़ी में मिले, लेकिन 7-स्पीड 12-क्लच ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी करीब 18-22 लाख रुपीस की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च की जा सकती है। और आखिरी गाड़ी जो कि फरवरी के पहले पहले लॉन्च होगी वो है ऑडी A8। ऑडी इंडिया के हेड ने कंफर्म किया है कि इस गाड़ी को फरवरी में लॉन्च कर दिया जाएगा, हालांकि कोई भी लॉन्च डेट नहीं बताई है। वैसे तो इस गाड़ी को पिछले साल 2019 में ही लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन मार्केट खराब होने की वजह से इसका लॉन्च डिले कर दिया गया। इस गाड़ी को सिर्फ 3 लीटर 6-वाल्व पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया जाएगा, हालांकि ग्लोबल मार्केट में तो डीजल इंजन और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन भी मिल जाता है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो ये गाड़ी एक्सोर दिल्ली के हिसाब से करीब 1.1 करोड़ रुपीस की मिला करेगी। तो चलिए, ये थी वो 14 गाड़ियां जो फरवरी के पहले पहले इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च होने वाली। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से आप किस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, किस गाड़ी को आप बुक कराने वाले हैं या करा चुके हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।